साथियों, भाजपा की केंद्र सरकार की नीति है डीबीटी। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पश्चिम बंगाल में दीदी सरकार की दुनीति है टीएमसी यानी ट्रांसफर माय कमीशन। हम डीबीटी वाले हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं वो टीएमसी ट्रांसफर माय कमीशन में ही डूबे हुए। यहां आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू हुई? क्योंकि ट्रांसफर माय कमीशन नहीं हो पाया। यहां किसानों के बैंक खातों में हजारों रुपए जाने से क्यों रोक दिया गया? क्योंकि ट्रांसफर माय कमीशन नहीं हो पाया। अब आप ही बताइए साथियों, पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? पश्चिम बंगाल का विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? पश्चिम बंगाल के नौजवानों का भविष्य चाहिए कि नहीं चाहिए? पश्चिम बंगाल के आदिवासियों का हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पश्चिम बंगाल की माताओं बहनों को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बस आपका यही जोश हर सिंडिकेट, हर टोला बाज का होश उड़ा रहा है। और इसलिए दीदी को आपके जनधन बैंक खातों से डर लगता है। बंगाल में खुले करोड़ों जनधन खाते, आपका हक आपको ही मिले इसकी गारंटी है। दीदी 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 चांद चोरी खेला चलते ठाक, आमरा चाहिए खेला शेष हो। और इसलिए आज पुरुलिया के लोगों का, जगल महल का, बंगाल का दीदी को संदेश साफ है, चूरी खेला छोलबे ना छोलबे ना। मेरे साथ बोलिए, चूरी खेला छोलबे ना छोलबे ना, चूरी खेला चूरी खेला चूरी खेला। अरे दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, चूरी खेला चूरी खेला। साथियों, आपकी एक गर्जना बताती है कि दीदी सरकार जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब बंगाल के भ्रष्टाचार से, कुशासन से मुक्त होने का समय आ गया है। क्या हालत बना दी है दीदी ने बंगाल की? क्राइम है, क्रिमिनल है, लेकिन जेल में नहीं है। माफिया है, घुसपैठिए हैं, लेकिन खुलेआम घूम रहे हैं। सिंडिकेट है, स्कैम है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है।